आरक्षण बचाव संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आरपी सिंह अंबेडकर ने आरक्षण उत्पीड़न और ईवीएम के मुद्दे को लेकर संगठन के मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन के बारे में शनिवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता में आरपी सिंह ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने दलितों और पिछड़ों को ठगने का काम किया है, उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। इस देश का बहुसंख्यक हक वंचित समाज अपने अधिकार और स्वाभिमान को लेकर बहुत जागरूक है। वह किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है, क्योंकि विगत वर्षों और वर्तमान में इन वर्गों के अधिकारों में जो कटौती की गई है वो और प्रत्येक स्तर पर दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं, उसे दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरक्षण बचाव संघर्ष समिति 24 नवम्बर को लखनऊ में बड़ा आंदोलन करेगा और सरकार द्वारा कोर्ट के आदेशों की अवमानना को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में केस दायर करेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए आरक्षण बचाव संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आरपी सिंह ने कहा, देखिए आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ आरक्षण बचाव संघर्ष समिति की ओर से रखी गई है, इसमें मुख्य मुद्दा ये है कि 24 नवंबर 2018 को लखनऊ के अंदर ABSS का आह्वान है, चलो लखनऊ घेरो लखनऊ। तो हमारा ये कहना है कि SC ST एक्ट को और आरक्षण को कानून बनाकर संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा जाए। सरकार ने जो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में आरक्षण खत्म कर दिया है, इनडायरेक्टली एक ऐसा विधि निकाल के लाए हैं कि SC BC का एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर विश्वविद्यालय, किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी महाविद्यालय में आज अपॉइंटमेंट हासिल नहीं कर सकता है, ऐसा एक कानून ला दिया गया है। पहले महाविद्यालयों के तमाम पोस्टें जोड़ करके प्रदेश भर की उसका आयोग के माध्यम से उसका भर्ती होता था, अब इनका ये नया नियम आ गया है कि महाविद्यालय स्तर पर वैकेंसी देखा जाएगा और उसी के स्तर पर उसको भरा जाएगा। ये बिल्कुल अन्यायकारी आदेश है, इसके आप हम आंदोलन करेंगे जो 24 नवंबर को तय हो चुका है।